बड़ी खबर आपको बता दें, फोर्टिस अस्पताल में बच्चे की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लड़की के पिता ने अस्पताल के खिलाफ अब शिकायत दी है। इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई है। पिता का साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल ने भारी लापरवाही इलाज के दौरान दिखाई थी। गुड़गांव के सुशांत लोक थाने में शिकायत दर्ज कराई है पीड़ित पिता ने। आपको बता दें, 16 लाख का बिल भेज दिया था पेरेंट्स को और डेंगू से बच्ची की मौत हो गई थी। 16 दिन तक उसको वेंटिलेटर पर अस्पताल ने रखने की बात की थी और 17वें दिन उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद काफी तूल इस मामले ने पकड़ा था और उसके बाद लगातार फोर्टिस अस्पताल सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद एक बार फिर से फोर्टिस अस्पताल उस वक्त सुर्खियों में आया जब फोर्टिस की तरफ से पैसे की पेशकश पिता को की गई बच्ची के, लेकिन अब पिता ने एक लिखित शिकायत दी है थाने में और अस्पताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें आपको, एक 7 साल की बच्ची आद्या, जिसकी मौत डेंगू से हुई थी, फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बड़ी लापरवाही यहां पर अस्पताल की देखने को मिली थी। और गुरुग्राम के इसी फोर्टिस अस्पताल मामले में अब सरकार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अस्पताल की लीज कैंसिल कर सकती है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लीज रद्द करने की सिफारिश की है। यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री अब इस पूरे मामले पर गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर सिफारिश की है कि फोर्टिस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल का लाइसेंस तो रद्द होगा ही, कहीं ना कहीं और ब्रांचेस पर भी इसका साफ तौर पर असर पड़ सकता है। एक 7 साल की मासूम, जिसको डेंगू के चलते भर्ती कराया गया था, 16 दिन तक उसको वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया था। 16-17 लाख रुपए का बिल परिजनों को भेज दिया गया था, जिसमें दस्ताने भी इंक्लूड किए गए थे। इस पूरे मामले ने लगातार तूल पकड़ा था। पिता लगातार शिकायत कर रहे थे और ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री भी गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने फोर्टिस की लीज लाइन को कैंसिल करने की सिफारिश की है। अब देखना होगा सरकार आखिर कब तक अस्पताल की लीज कैंसिल करती है। लगातार गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल सुर्खियों में है, चर्चा का विषय बना हुआ है और अपनी बड़ी लापरवाही को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अस्पताल की लीज कैंसिल कर सकती है सरकार, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पेशकश की है। इससे पहले मृतक बच्ची के पिता ने लिखित शिकायत दी थी कि अस्पताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर लापरवाही का आरोप लगाया है अस्पताल प्रबंधन पर। फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन, हम FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, जो ड्राफ्ट हो चुकी है। हमने जो उन्होंने ज्यादा चार्जेस किए ब्लड बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने के हमने नोटिस दे दिया है। ये डेंगू नोटिफाइएबल डिजीज है, इसका सरकार को बताना जरूरी होता है। इन्होंने नहीं बताया, उसका भी हमने नोटिस दे दिया, उसमें भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। और ये जो सरकार से सस्ते दामों पर जमीन लेकर, उसमें जो MOU इन्होंने साइन किया, उसमें इन्होंने कहा कि 20% बेड हम गरीब लोगों के लिए रखेंगे और ये प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। और उसमें भी हमने जो हरियाणा अर्बन अथॉरिटी है, उसको हमने लिख दिया है कि आप इनकी लीज कैंसिल। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, एक तरफ मृतक बच्ची के पिता ने शिकायत दी है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री भी अब अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लीज कैंसिल होने का ऐलान भी कर सकती है सरकार अब जल्द ही, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इस तरह से कदम उठाया है, काफी सख्त कदम उठाते हुए इसने मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक आम आदमी के बीच में बहुत अच्छा मैसेज गया है कि जब सरकार अगर एक तरह से इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो कहीं ना कहीं इन प्राइवेट अस्पतालों को भी सुधरना होगा, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आ रही थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब इस मामले में एक तरफ तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है, यानी खट्टर सरकार ये कह रही है, उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि वो भी इस दिशा में सोचेंगे और हर जो एक तरह से कठिन जो जो एक तरह से पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा, लीज तक कैंसिल की जा सकती है।
तो यानी कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये जो हेल्थ सेक्टर की जो दो बड़ी कंपनियां हैं जैसे फोर्टिस है और एक मैक्स है, इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और कहीं ना कहीं ये सब लोगों के लिए मैसेज भी होगा।